इससे सस्ता ऑप्शन लेंगे। शिवांगी बताइए आपकी ट्रेड। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए MCX चुना है। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एडिशन देखने को मिल रहा है, एंड पूरी सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ है। 12% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट शेड हुए हैं शॉर्ट साइड, और 15% फ्यूचर्स प्राइस भी बढ़ा है। तो यहाँ पे कुल मिला के काफ़ी एक अच्छे डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं। मेरी नज़र 4000 के कॉल ऑप्शन में है, 75 का स्टॉप लॉस और 115 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो पहला ट्रेड MCX पर 4000 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको यहाँ पर। ये अप्रैल का लेना है या मई का आप शिवांगी? जी, इसी सीरीज का, इसी सीरीज का। ओके, इसी सीरीज का, ठीक है, अभी आप ले सकते हैं, अभी 3 दिन है वैसे एक्सपायरी में। राजेश जी, आपका FNO सुपरस्टार। तो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं, अब ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बनी है, यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी के स्टॉक ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। ग्रासिम फ्यूचर के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2330 2340 की तरफ, स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2270 के आसपास। ओके, ग्रासिम आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर 2299 पे। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपका ट्रेड चार के चमक का। जी बिरन जी, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाऊंगा। फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, 2500 का एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट से एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है ये स्टॉक हमें। 2555 का लगभग प्राइस है, 2520 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 2630 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अगले ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पर, और वो आएगा मिड कैप फंड नरेंद्र जी के सुझाव से। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग जी, हमारा जो आज का स्टॉक पिक है वो मेटल्स सेक्टर से है। कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, और कंपनी के अगर ब्रीफ फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही कैपेसिटी एक्सपेंशन के तौर पर, प्लस इसमें मार्जिन एक्सपेंशन भी काफी अच्छा दिखने वाला है आने वाले 2 साल में। इसमें अगर आप देखें तो 65% से क्रूड स्टील का कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, प्लस 90% से इसका फिनिश स्टील का कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, प्लस अगर आप एबिटा मार्जिन्स की बात करें या एबिटा पर टन की बात करें जो कि 13,000 रुपीज है, वो बढ़ के 15,000 रुपीज के आसपास होने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो इसमें 24% का CAGR हमको टॉप लाइन में और 33% का CAGR हमको बॉटम लाइन में दिखता है। कंपनी की वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है इसको देखते हुए, और कंपनी की डेट भी अगर बात करें तो 0.9 है कंपनी की डेट की सिचुएशन, तो काफी अच्छी बैलेंस शीट भी है कंपनी की, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट 1070 रुपीज का है। ओके, चलिए अब एक बार चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शिवांगी ने MCX का कॉल ऑप्शन लिया 4000 का, इसी सीरीज का, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 90 पर वो कॉल ली गई थी, ऑलरेडी 95 हो चुका उसका रेट, 115 का टारगेट है यहाँ पर। राजेश जी के पिक है ग्रासिम यहाँ पर FNO सुपरस्टार में, 2270 के स्टॉप लॉस, 2330 और 2340 के 2 टारगेट्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज रियल एस्टेट में अच्छा मोमेंटम है। अमित सेठ की पिक है ये चार्ट का चमत्कार में, 2520 के स्टॉप और 2630 के टारगेट। और नरेंद्र सोलंकी ने पिक किया है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, ये एक पिक का। अब